हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी ओके होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और आप लोगों के थैंक यू बोलने के लिए आज मैंने स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड की है, क्योंकि मुझे आपका थैंक्स बोलना था कि आप लोगों की हेल्प से आप लोगों ने इस चैनल को इतना सराहा कि 1,000 सब्सक्राइबर यानी बन के सब्सक्राइबर आप लोग बन इतने लोग हमसे जुड़ चुके हैं। और इसी खुशी में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ कि वो स्टूडेंट के लिए, हमारे उन स्टूडेंट के लिए है ये, जो स्टूडेंट हमारे क्या करते हैं, जो कहते हैं सर मुझे याद नहीं होता है, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मुझे क्लासरूम में नींद आती है, मैं पक जाता हूँ, मैं थक जाता हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इतने सारे लंबे लंबे पेड़ को पढ़ सकूँ। उसके लिए आसान सा टॉपिक है मेरा आज का कि कैसे हम अपने आप की दिन की शुरुआत करें ताकि हम पूरे दिन ऊर्जा से एकदम, हमारे अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि हम पूरे दिन अपने टीचर को और अपने क्लासरूम को, आई मीन अपने स्कूल अपने ट्यूशंस को झेल सकूं, इतनी कैसे कैपेसिटी। तो आइए इस टॉपिक पे बात करते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने फ्रेंड्स को भी इस टॉपिक को शेयर करें, उनके साथ उनको जरूर शेयर करें जिनके साथ ये समस्या ज़्यादा रहती है कि मैं पढ़ के भूल जाता हूँ, मुझे याद नहीं रहता। उसके बहुत आसान तरीका है, पहले आप अपने आप को तैयार करेंगे पढ़ने के लिए। कैसे पढ़ें, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, ये आज हमारा टॉपिक है। और इसके लिए मैंने आपके सिलेक्टेड 4 पॉइंट लेके आया हूँ आपके लिए, सिर्फ 4 पॉइंट। ऐसे पॉइंट अगर आप इनको सुबह 7 बजे से पहले पहले कर लेते हैं, सर देखे कि आपको ये सारे पॉइंट 7 बजे से पहले पहले करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे नागरिक या एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। और ये मेरी वीडियो स्पेशली स्टूडेंट के लिए है, पैसे तो सभी के लिए है लेकिन स्पेशली स्टूडेंट के लिए है, जो ये कहते हैं कि सर मुझे क्लासरूम में नींद आती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, उनके लिए हमारी ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है मॉर्निंग का उठना, सुबह का जागरण, प्रातःकाल का उठना। देखिए हम लोग गलती स्टार्टिंग से ही करते हैं, हमें उठाना पड़ता है। कभी कभी हमको घंटियाँ उठाती है ना, अलार्म लगा दिया हम लोगों ने, कभी कभी मम्मी या हमारे पिताजी हैं वो आवाज़ देते हैं, कभी कभी हमारे जब हॉस्टल में रहते हैं तो हमारे फ्रेंड्स उठाते हैं, भाई उठ जाए। ठीक है, बस यहीं से हम लोगों ने क्या करा, अपने दिन की शुरुआत ख़राब कर दी। मतलब हमें जीने के लिए कोई उठाता है, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने दिन की शुरुआत खुद कर सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैबिट डालनी पड़ेगी सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठने का मतलब है कि जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं सबने एक ही बात बोली है कि सुबह 4 बजे के आसपास, यानी 4 बजे से उठना स्टार्ट करके 4:30 तक हमें उठ जाना चाहिए। नॉर्मली अगर बहुत बजा रहे तो वो 5 बजा लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो हमारे दिमाग के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। माना जाता है कि उस समय ऑक्सीजन का भरमार होता है ब्रह्मांड में, कोई पॉल्यूशन नहीं होता है ज़्यादा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है हमारे, जैसे हमारे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी वो तेज़ी से क्या करता है, हमारे ब्लड को, हमारी सेल्स को क्या करता है, ऑक्सीजन भेजता है, जिससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है। ये ऊर्जा हमें पूरे दिन चलने के लिए, हमें बैटरी हमारी जो होती है ना वो चार्ज रहती है। बोलते ना कि आज तो हम बिल्कुल डाउन से हो रहे हैं, तो सबसे पहले जागरण की बात हो गई, यानी सुबह 4:30 तक आपको सो के उठना ही उठना है। दूसरा पॉइंट है ध्यान, साइलेंस। अब दूसरा करना क्या है कि आपको उठ के और अपने बिस्तर को छोड़ के तुरंत क्या करना है, साइलेंस करना है, यानी अपने आप को चुपचाप बिठा लेना है, कुछ ना बोलना है ना कुछ देखना है। और वैसे भी आपका इस समय का समय है ना, तो बिल्कुल ही बिल्कुल शांति होती है। 10-15 मिनट आप अपने आप को शांत बिठा के अपने आप से बातें कर सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं। कौन सी बातें कर सकते हैं, हमें आज क्या करना है, हमें अपने दिन को कैसे यूटिलाइज करना है, जो हमारे पास आज दिन के घंटे हैं उनको कैसे मैं यूटिलाइज करूँगा, कितने कितने घंटे मुझे क्या क्या करना है, ये उस समय ध्यान में बैठ के हमको ये मनन चिंतन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद अपने आप से बातें करनी है थोड़ी कि भाई हम ये कर सकते हैं, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, हमें 90% मार्क्स लाने हैं, 95% मार्क्स लाने हैं, हमें क्लास में अच्छी पोजीशन पे जाना है, हमें टॉप 10 में शामिल होना है, हमें यूपी में रैंक लानी है, ये सारी चीज़ें आप अपने आप से बात कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगेगा और क्या कर सकते हैं आप अपने, और आप 4:40 पे या 4:30 पे उठ जाते हैं तो आपका दिन होता है 27 घंटे का, 27 आवर्स, क्योंकि आप नॉर्मली 7:30 या 8 बजे के बाद ही उठते हैं। अगर आप 2-2.5 घंटे पहले उठते हैं, 3 घंटे,
तो आप 26 से 27 घंटे का जो आपका दिन है 24 घंटे वाला वो हो जाता है। उसमें क्या है कि हम लोग ज्यादा वर्क कर सकते हैं। और जो सुबह का टाइम है उसके लिए मैं आपको तीसरा पॉइंट बनाता हूँ, वो है एक्सरसाइज। ब्रेन के लिए आपने क्या करा, ब्रेन के लिए आपने एक्सरसाइज, अपने आप से बातें की और ध्यान लगाया। दूसरी बात, अब फिजिकली भी हमें मेंटेन रखना ना अपने आप को। अगर फिजिकली हम तैयार नहीं है तब भी हमारा ब्रेन, वो कहते हैं ना अरस्तु का कमेंट्स है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब तक आप बॉडी से फिट नहीं है, आपके अंदर कोई विकार है, आलस्य है, तो आपके अंदर अच्छा दिमाग कभी नहीं बन सकता। उसके लिए आपको एक्सरसाइज या व्यायाम करना है। और व्यायाम आप शॉर्ट व्यायाम कर सकते हैं, डिप्स लगा सकते हैं, टहल सकते हैं थोड़ा, और कोई आसन कर सकते हैं, आप योगासन कर सकते हैं। बहुत सारे आसन ऐसे हैं जो आप कर सकते हैं, इससे आप बॉडी फिट रहेगी और आपका ध्यान भी अच्छा लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट जो मेरा है वो है रीडिंग का। आप कुछ लर्न नहीं करना है, आपको रीडिंग करनी है। आप न्यूज़पेपर ले सकते हैं, आप अपनी फेवरेट बुक ले सकते हैं, कोई मैगजीन ले सकते हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो वो आप किताब पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि मैं कैसे, मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। तो अभी तो मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि आप कैसे अपने आप को पढ़ने के लिए रेडी रखें, तैयार रखें। उसके बाद अगर आप ये सारे चार चीज़ें, चार पॉइंट आप अगर दिनचर्या में अपनी शामिल करते हैं इस तरीके, ये सारे के सारे काम आपको 6:30-7 बजे तक करने हैं, उसके बाद नहीं। 6:30 बजे तक आपको ये चारों पॉइंट फॉलो करने हैं। आपको जल्दी उठना भी है, आपको ध्यान भी लगना है, लगभग 15 मिनट का होना चाहिए आपका, 10 से 15, मतलब 10 से 15 मिनट आप इसको इसका टाइम रख सकते हैं। और तीसरा जो है वो आपका एक्सरसाइज है, उसमें भी आप कम से कम 25 से 30 मिनट लगाएंगे। और रीडिंग का टाइम रहेगा 1 आवर, 1 घंटे आपको पढ़ना है, चाहे आप उसमें 2 पेज पढ़ें या आप 3 पेज पढ़ें। आप इस टाइम को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, 45 मिनट हो सकते हैं, बट इससे कम नहीं, क्योंकि इतनी देर में अब ऐसा आप कर सकते हैं, करेंगे या कर सकते हैं तो आप अपने क्लासरूम में जाइए और आपके पास इतनी सारी एनर्जी होगी कि आप किसी भी टीचर को 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे झेल सकते हैं आराम से। ना तो आपको कोई नींद प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ना आपके पास ये बहाना होगा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, आपको 100% समझ में आएगा। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, मैं अपने दैनिक जीवन में इसे फॉलो करता हूँ। कल की वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि हम कैसे पढ़ें, हमको सारी चीज़ें पढ़ी हुई याद रहें, हम कम भूलें और हमें अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। टेक केयर।